यूपी सरकार स्वास्थ्य महकमे को चुस्त दुरुस्त करने का लगातार दावा करती है, लेकिन सरकार के दावे उस वक्त खोखले साबित हो जाते हैं जब घोर लापरवाही सामने आती है। आप देख सकते हैं किस कदर पीड़ित लेटी हुई है। आरोप है कि इसे स्ट्रेचर नहीं मिला। आरोप ये भी है कि तबीयत बिगड़ने पर एम्बुलेंस की भी सेवा नहीं मिली। बताया जा रहा है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एम्बुलेंस आई। दरअसल इस युवती के साथ 3 लोगों ने रेप किया, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। सरोज सिंह मुझको लेकर गए थे, वो सरोज से लाए थे, उसके साथ में हमको भेज दिए। फिर यहाँ से 4 आदमी लेकर गए, फिर सरगंज लेकर गए, सरगंज से गोंडा आए, गोंडा से दूसरी विलास से एक लोग हमारे साथ काम कर गए, 3 हमारे साथ गलत काम कर गए। अच्छा, फिर कहाँ गए वो लोग? वो लोग फिर कहीं पे नहीं, सर वहीं से रात भैया ने मुझको लेकर आए थे, उनको सजा दी। कैसी सजा जाती हो? फांसी की। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में इस प्रकार की लापरवाही सामने आई है। कई मौकों पर देखा गया है कि मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला है। हर बार जांच का भरोसा देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, या फिर चंद मौकों पर छोटे कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया और मैंने तत्काल जिला अस्पताल महिला की चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया है कि तत्काल उस महिला का इलाज कराएं और जो भी दोषी है उसकी जांच करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। साथ ही उनको यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण न आए कि जहां पर मरीजों से संवेदनहीनता से बात की जाए, मरीजों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको सही इलाज कराया जाए और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उसमें एक ईटिया को थाना क्षेत्र में ये प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें मुकदमा 363/66 का पंजीकृत हुआ था और लड़की बरामद हुई है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, उसका 161 का बयान अंकित कर लिया गया है, जिसके आधार पर उसमें 376D की बढ़ोतरी कर दी गई है और 164 का बयान उसका कराया जाएगा। 164 के बयान में जो तथ्य प्रकाश में आएगी उसके अनुसार विवेचनात्मक कार्रवाई संपादित करेगी। पहले तो युवती के साथ रेप हुआ और फिर अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। पुलिस के सामने रेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने की चुनौती है, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन के सामने इस बात को देखने की जिम्मेदारी है कि आखिर लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। गोंडा से सरी श्रीवास्तव, APN।